हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का सक्सेस टू वे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज अपन बात करेंगे दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि इंटरव्यू बेस रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाली है। DSHM द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी लोकेशन जो है 6th फ्लोर A&B विंग विकास भवन, 2nd सिविल लाइन्स, दिल्ली में ये दिया हुआ है। फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। तो इसके इंटरव्यू वगैरह के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जो है पदों के लिए ये भर्ती निकली है, अलग अलग सेक्टर में इसमें निकली है। ये जो नोटिस है वो 16 मार्च को है, 16 मार्च को ये पब्लिश हुआ था, लेकिन इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो अब आने वाले दिनों में होने वाली है। तो इसकी न्यू अपडेट के लिए आपको इस वीडियो में जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के एंड तक बने ही रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट है कि साइकाइट्रिस्ट के लिए इसमें 5 पदों पे ये भर्ती निकली है। जनरल कैटेगरी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है, मतलब इंटरव्यू की डेट क्या रहने वाली है, वो है 13 मई 2024। तो 13 मई को ये इंटरव्यू रहने वाला है। इसमें मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ कि क्या आपका टाइमिंग इसमें रहने वाला है। तो टाइमिंग की अगर बात करूँ मैं, तो टाइमिंग जो है वो 9:30 AM से 10:30 AM तक रहने वाला है। और इसका जो लोकेशन है इंटरव्यू का, वो DSHM मतलब दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, 6th फ्लोर B विंग विकास भवन, 2nd सिविल लाइन्स, दिल्ली 54 के इसके अंदर जो है ये लोकेशन इसमें दी हुई है। और रिपोर्टिंग का टाइम जो है 10:30 है। 10:30 के बाद अगर आप जाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इंटरव्यू आप नहीं दे सकते। स्किल बेस ये रहने वाला है, रिटर्न टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों साइकाट्रिस्ट के लिए जो है 13 मई को ये इंटरव्यू रहने वाला है। फिर सेकेंड अगर अपन बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो इसमें भी जो है 5 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी से है, और इसका जो इंटरव्यू रहने वाला है वो 14 मई को रहने वाला है। साइकाइट्रिक नर्स की बात करें तो इसमें भी 5 पोस्ट है, 16 मई को इंटरव्यू रहने वाला है। साइकाइट्रिक सोशल वर्कर के लिए अगर बात करें अपन, तो इसके लिए 4 पोस्ट है और 15 मई को इसका इंटरव्यू रहने वाला है। कम्युनिटी नर्स की बात अगर अपन करें तो 4 पोस्ट है और जो है 16 मई को इसका इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये जो है इस वीडियो का मेन पर्पस है। इसके अलावा जो है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बता दूंगी। तो आप जो है इसके लिए अप्लाई ज़रूर से करें, इसका जो है इंटरव्यू डेट आगे है। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों इसके अंदर, मैंने आपको टाइमिंग बता दी, लोकेशन बता दी, अगर अपन बात करें इसके अंदर कि आप कैसे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट जो है आपको इसमें DOB सर्टिफिकेट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, मतलब 10th का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए और मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो चाहिए, और अगर अपन बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, और वैलिड इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ EWS कैटेगरी, अगर EWS कैटेगरी से हो तो आपको ये भी चाहिए। फिर अगर बात अपन करें नेक्स्ट दोस्तों, और इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या फिर अपडेट के लिए जो है इसमें हेल्पलाइन भी दे रखी है, DSHM.Delhi.gov.in, यहाँ पे आप जो है इसकी अदर इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं टाइम टू टाइम। तो नेक्स्ट अगर अपन देखें दोस्तों, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो साइकाइट्रिक पोस्ट है उसका जो पे सेल है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो पे सेल है वो 85,050 रुपये रहने वाला है। एज लिमिट जो है अप टू 45 ईयर है, मतलब 45 ईयर से कम तक वाले लोग इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है MD इन साइकाइट्रिक, मतलब साइकाइट्रिक से MD हो। इसके अंदर आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की, तो इसकी जो पे सेल है वो रहने वाला है 43,750 रुपये, एज लिमिट जो है 35 ईयर रहने वाली है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, अप्लाई साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी, इसके अलावा मास्टर डिग्री इसमें होना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर अगर अपन बात करें दोस्तों इसके अंदर साइकाइट्रिक नर्स की, तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों 50,000 रुपये रहने वाली है। एज लिमिट इसके अंदर 35 ईयर है
और जो क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग इसके अंदर जरूरी है 2 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है, जो कि साइकाइट्री या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल में आपका जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा साइकेट्रिक नर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब आपका जो डिप्लोमा है वो आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों साइकाइट्रिक सोशल वर्कर की, तो इसकी जो सैलरी है वो 31,250 रहने वाली है, 35 ईयर इसकी एज लिमिट है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए साइकाइट्रिक के अंदर, और जो है 2 ईयर का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। और फिर अगर अपन बात करें दोस्तों कम्युनिटी नर्स की, तो कम्युनिटी नर्स की जो इसमें सैलरी रहने वाली है वो 40,180 रुपये रहने वाली है पर मंथ, और 35 ईयर इसकी एज लिमिट है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जो कि आईएनसी से अप्रूव कॉलेज से होना चाहिए, और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका जो है वर्किंग हॉस्पिटल में होना चाहिए, जहाँ भी साइकेट्रिक वार्ड है वहाँ आपका जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी इसके अंदर मैन जो बातें जो मैंने आपको बता दी। इंटरव्यू की डेट जो है वो 13 मई से 16 मई तक रहने वाली है। हर एक तरह की जो जॉब है उसके लिए अलग अलग दिन इसका इंटरव्यू रहने वाला है। साइकाट्रिस्ट के लिए, कम्युनिटी नर्स के लिए, क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट, इन सब के लिए एक अलग पर्टिकुलर डे दिया हुआ है जिसमें इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की लोकेशन और टाइम मैंने आपको बता दिया है, तो आप जो है इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करें। और इसके अलावा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। फिर भी कोई डाउट या कुछ भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए एंड डेली एक नए अपडेट के लिए आप सक्सेस टू वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर्स।